तो यार ये मच्छर। भाभी चलो लेट हो रहा है। अरे नहीं मैं नहीं जा रही, तुम ही जाओ। ये क्या कार्टून बन के आई तू? मैं आपको पार्टी दे रही हूँ ना, अब मैं कार्टून बन के आऊँ या कुछ भी बन के आऊँ आपको क्या? चलो पार्टी देने को तू मान कैसे गई? मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। बैठ जा, जगह तो बड़ी सुंदर है, अगर तू 5 मिनट और रुक जाती तो तेरी भाभी भी आ जाती हमारे साथ में। अब वो सो रही तो मैं क्या करूँ, उठ जाएंगी तो आ जाएंगी, आप इंजॉय कर लो ना। यार इतनी खूबसूरत जगह पे मैं हमेशा चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे। अरे कभी बहन के साथ भी टाइम बिता लिया करो, जब से आपकी वाइफ आई है तब से तो आप हमें भूल ही गए हो, मम्मी को और मुझे। अरे छोटी तू क्या बातों बातों पे गुस्सा हो जाती है, आज तेरे लिए तो आया हूँ मैं इधर। ठीक है भैया ऑर्डर करो कुछ। वैसे पैसे तू ही देने वाली है? हाँ मैं ही देने वाली हूँ। यकीन नहीं हो रहा अभी तक भी। यकीन तो थोड़ी देर में होगा जब पिटोगे। भैया आप ये लो, मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ, आप कुछ ऑर्डर कर लो तब तक। तू घर से करके नहीं आ सकती थी क्या? थोड़ा टचअप करके आ रही हूँ ना, आप करो ऑर्डर। ओ अच्छा अच्छा, ये लड़कियाँ भी ना, हम लड़के तो वॉशरूम जाते हैं हल्का होने के लिए, इनको तो टचअप भी वॉशरूम में करना होता है। भाभी को पहले लोकेशन भेज देती हूँ। ये गई लोकेशन, अब कॉल करके बता देती हूँ। यार कोई सोने नहीं देता, फिर इसका फोन। बाहर जाके भी खुश नहीं रहती है, वहां पर भी मुझे परेशान। हेलो हाँ दीदी। हाँ भाभी अब अभी तक सो रही हो? नहीं नहीं अभी नहीं सो रही हूँ, बस झाड़ू लगा रही थी। मैंने ना आज भैया को लाजपत नगर में देखा है किसी और लड़की के साथ, उसने अपना मुंह कवर किया हुआ है काले दुपट्टे से। क्या? क्या? हाँ हाँ मैं तो शॉपिंग करने जा रही थी तब भी मैंने उनको देख लिया। आप भी जल्दी से आ जाओ, मैंने आपको लोकेशन भेज दी है। हाँ मैं आती हूँ। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। एड्रेस भी आ गया, इसका मतलब सच्ची बोल रही है। एक काम करती हूँ चलती हूँ जल्दी से, इनको तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ रह गई है? अरे भैया खाना भी आ गया। यार कहाँ रह जाती है तू, इतनी देर में तो ना मैं घर से हल्का होके आ जाता। आपने खाया नहीं? अरे नहीं यार तेरे आने का वेट कर रहा था, ठंडा हो जाता खाना अभी। खा लो फिर मार भी खानी है, खा लो जल्दी से आप। क्या? अरे कुछ नहीं मैं कह रही खा लो, बहुत टेस्टी है यहाँ पे खाना। तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कुछ ज्यादा ही बड़बड़ा रही है आज। ये 2 पैसे खर्च ना करे अब। भैया बहुत सोच रहे हो, खा लो ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ खा रहा हूँ, एक काम कर। अरे भैया आप खाओ ना। अरे यार तू मेरी छोटी बहन होके मेरे को पार्टी देने लाई है तो क्यों ना पहले पहला हक तो तेरा बनता है ना इस पे। ठीक है भैया। खा गई? भैया आप भी तो खाओ, मैंने तो खा लिया है। हाँ हाँ ए रुक जा रुक जा, क्या सारा खा जाएगी क्या? ए ये तूने कब पहना? जहाँ तक मुझे याद है तू तो ये पहन कर नहीं आई थी। भैया आजकल फैशन है ऐसे मैक्सी ड्रेस पे ना ये पहनते हैं। नए नए फैशन आ जाते हैं। एक मेरे लिए भी लिया थी फिर तो। आप पहनते शर्ट पैंट के ऊपर, खा लो चुपचाप आप भी ना। अच्छा अच्छा यार भाभी तो आने वाली होगी, जल्दी से मुंह कवर कर लेती हूँ। अरे तुझे क्या होता जा रहा है, ये क्यों पहना तूने? यहाँ क्या धूप थोड़ी ना हो रही है? भैया यहाँ पे बहुत डस्ट है, मुझे डस्टिंग डस्ट लग रहा है फेस पे ना, नाक में जा रहा है इसलिए ढक लेती हूँ। तू ना अंग्रेज कंबन, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुझे, कुछ ज्यादा फैशन में आ रही है। अरे यार कहाँ रह गई भाभी, ये भी ना बहुत ही लेट करती है, सज धज रही होंगी। अपने पति को मारने के लिए भी कोई सजता है, पागल सी। एड्रेस तो यहीं का दिया था, यहीं पर खत्म हो गई लोकेशन। ओ ये वाला कैफे है, देखती हूँ जरा। यार इतनी भीड़ हो रही है, कैसे ढूंढूंगी इतनी भीड़ में अपने पति को, कहाँ मुंह काला कर रहे हैं ये। ये रहे दोनों, तो मैं अब बताती हूँ। वाह बहुत अच्छा मुंह दिखा रहे हो यहाँ पर लोगों के सामने, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? शर्म? मेरे पीठ पीछे तुम ये सब कर रहे हो? ये क्या बकवास करी है तेरी भाभी? अरे हम चुपचाप खाने आ गए ना इसलिए। ये क्या बड़बड़ा रही है अभी भी? बाहर निकल, बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? समझती क्या है तो खुद को? तुम क्या कर रही हो ये? तुम चुप रहो, तुम जाओ यहाँ से। तेरी कैसे हिम्मत हुई, तुझे शर्म नहीं है अपना मुंह काला करा के? कल मुंह ही तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के आगे पीछे मंडराने की? तू नहीं मेरे पति को अपने वश में किया, तू नहीं अपने पति। अरे ये मैं हूँ, चुप रह कुछ बोलियो मत वरना तू और पिटेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के आगे पीछे मंडराने की? उसको सबके सामने बेइज्जत कर रही हो। बेइज्जत? बेइज्जत तो मैं तुम्हें करूंगी सबके सामने, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? तुमने इसीलिए मुझसे शादी करी थी ताकि तुम दूसरी लड़कियों को घुमाते फिरो? वो तो अच्छा तुम्हारी बहन ने मेरी आंखें खोल दी, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो। तो बहन को मार क्यों रही हो फिर? बहन को? हाँ, वो दीदी तो है। ये मैं हूँ, इतनी देर से मुझे इतनी बुरी तरह पीट दिया फिर बाल खराब कर दिए, सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? अरे ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। मुझसे मत पूछो, अपनी बहन से पूछो, इन्होंने ही मुझे मैसेज किया था भैया किसी और लड़की के साथ घूम रहे, आप आओ जल्दी। अरे वो तो मेरे प्रैंक किया था,
मुझे क्या पता था मेरी धुलाई हो जाएगी इधर। फिर तो ना तू बिल्कुल ठीक पिटी, और मार इसको। अरे मेरी ननंद है, मैं ऐसे कैसे मार सकती हूँ? इतना तो मार दिया, और कितना नहीं मार सकती हो? दीदी आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि इनके साथ कोई और लड़की है, आपने ऐसे दुपट्टा ले रखा था, अगर पता होता आप तो मैं कभी आप पे हाथ नहीं उठाती। सब लोग हमें ही देख रहे हैं। देखेंगे, लेकिन तू ना पिटने लायक है, तूने आज मेरे लिए गड्ढा खोदा था ना, खुद ही गिर गई उसमें। दीदी ऐसे मत किया करो, चलो जो हुआ उसको छोड़ो, अब कुछ खा लेते हैं, बिल मैं पे कर दूंगी, आप बैठो। नहीं नहीं, बिल भी यही पे करेगी। अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलो दीदी, आपने मुझे बहुत मारा है, मैं आपको पाने बताऊंगी। दीदी सुनो, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप हो, और आप प्रैंक कर रही हो, ये भी मुझे नहीं पता था, कहीं कैमरे लग जाते तो समझ आता कि ये प्रैंक है। खैर कोई नहीं, अब आप बैठ के कुछ खाओ, मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ ठंडा पीने को, बैठो। पता तो मुझे पहले से ही था। क्यों ना जब तक ये गई है मैं नीतू को टेक्स्ट कर दूँ, उसको बता तो दूँ ना कि मैं छोटी के साथ खाने पर आया हूँ, वो उठेगी तो डायरेक्ट इधर ही आ जाएगी। प्रैंक है, तेरा प्रैंक तो मैंने ही निकाल दिया। कितना कूट दिया बेचारी को, वैसे ही पिटने लायक ही है, लेकिन मैंने नीतू को मैसेज करके तो बताया था। क्या सोच रहे हैं, कुछ बोल ना दे कि मुझे मैसेज किया था और मैंने देख लिया। अरे आप फिर बोल रहे हो, बस जो हुआ उसको भूल जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं, बात खत्म। अरे कुछ ऑर्डर करती हूँ आपके लिए, भैया एक कोल्ड ड्रिंक ले आना, इनको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। दीदी आपको मैंगो शेक मंगा दिया मैंने, ठीक है आराम से खाओ ये लो। लेकिन मैंने तुम्हें, अरे क्यों बोले जा रहे हो इतना यार, आप चुप रहोगे? एक तो मैंने खामखा दीदी को मार दिया, ऊपर से आप इतना बोल रहे हो, घर जाके बात कर लेंगे मैसेज की और कॉल्स की। अरे कोई बात नहीं, बचपन में बहुत पिटी है मेरे से ये, इसको पिटाई का ज्यादा देर असर नहीं रहता। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे से प्लानिंग करूंगी, कितना हंस रही है, ऐसी प्लानिंग करूंगी कि पता भी नहीं चलेगा इनको, और ये दोनों में से कोई एक पिटेगा। दीदी अब मैं इनके साथ जाके बैठ सकती हूँ, आप इधर आ जाओ। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है दीदी, अच्छा नहीं लग रहा, हम दोनों को साथ बैठना चाहिए, इसलिए बस बोल रही हूँ। साथ बैठने के लिए ना अगली बार अकेले आना, अभी मैं आई हूँ ना तो मैं यहीं बैठूंगी। थैंक यू सो मच। अरे भाभी ये मुझे दे दो, इतनी पिटाई के बाद बहुत गर्मी लग रही है। कैसी बातें कर रहे हो, ये मैंने आप ही के लिए तो ऑर्डर किया है। मुझे पता है तुम कितना पिटी हो, पी लो अपनी प्यास बुझा लो इससे। आपके लिए कुछ ऑर्डर करना है? अरे नहीं नहीं, मैं तो जब से आया हूं उसे खा ही रहा हूं। दीदी आपको कुछ और चाहिए होगा तो प्लीज बताना, फिकर मत करना, सब कुछ है यहाँ पर। हाँ हाँ बता दूंगी, वैसे मैं 2-3 आइटम ऑर्डर कराने वाली हूँ अभी, समझी? मुझे पैसे देने तो तुम कराओगी। भैया चलो अच्छा टाइम से खा लिया, रख देती हूँ। ये क्या कर रही हो भाभी? रख कर आ रही हूँ, ये घर थोड़ी है कैफे है, खुद आके उठा लेंगे। भूल गई थी, वो क्या है ना घर में आपका काम करती रहती हूँ तो भूल जाती हूँ। चलो कुछ मीठे में मंगा लेती हूँ। दीदी थोड़ा कम कम मंगाना, क्योंकि आपको पता है मैं तो ज्यादा खाती नहीं हूँ मीठा, मतलब मैंने तो मीठा छोड़ ही दिया है, शुगर तो मैं ले ही नहीं रही हूँ, तो आपके लिए मंगा भी कोई नहीं रहा, मैं तो भैया के लिए और अपने लिए मंगा रही हूँ। मैं ख्याल रखती हूँ मेरा, पिट के भी प्यार नहीं भूली। और चुप रहो, भैया एक डेजर्ट प्लेटर लेके आना। हाँ भैया थोड़ा कम ही लाना ताकि वेस्ट ना हो, प्लेटर है उतना ही आएगा। आ गया, थैंक यू भैया। इतना सारा क्यों मंगा दिया आपने, कौन खाएगा? हम दोनों और कौन? भैया मैं नहीं खा रहा क्या? बात नहीं, कम खाते, क्या मंगाया तूने? हाँ भैया एक फोटो ले लो क्या मैं इसकी? हाँ हाँ दोनों कितने भूखे हैं भगवान, इंस्टाग्राम पे डाल देती हूँ। हाँ मैं भी ले लेती हूँ, मुझे टैग कर देना, मैं भी रिपोस्ट कर दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, करूंगी भी नहीं, इतना सारा आ गया है तो क्यों ना मैं भी खा ही लेती हूँ, वरना वेस्ट हो जाएगा। अरे नहीं नहीं अभी तो मना किया था भाभी ने, है ना? कैसे होगा? हाँ तेरी ननद इतना खाती जो है, खा जा। ज्यादा मत बोलो, मैं सारा थोड़ी नहीं खा पाऊंगी, बहुत ज्यादा बोलते हो आप भी। तू इसकी डबल भी आ जाए ना तो वो भी खा जाए। बहुत बकवास कर रहे हो भैया आप, बहुत। अरे लड़ो मत, अभी वैसे भी इतनी धुलाई हुई है दीदी की। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप नहीं खा पाओगे, इसीलिए तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, थोड़ा थोड़ा मैं भी खा लूंगी। अभी थोड़ी देर पहले मीठा नहीं खाती थी। आपकी पसंद इतनी बेकार नहीं है जितना मैं सोचती थी। वाओ कितना टेस्टी खाना है। सच में यार तेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। ये खाना नहीं है पहली बात तो, ये डेजर्ट है, और हाँ मेरी चॉइस है ही अच्छी। यहाँ पर आने का फायदा हुआ कि हमने अच्छे से खा लिया। बाकी दीदी आपको याद है ना हमें शादी में भी जाना है जयपुर, उसकी भी पैकिंग करनी है। कल सुबह सुबह निकलना है, पराठे पैक कर लूंगी मैं आपके लिए, और कुछ राशन भी ले चलूंगी क्योंकि आप बाहर का नहीं खाती हो ना, इसीलिए। इसके लिए दवाइयाँ भी ले चलियो, इसको गैस बहुत बनती है। हाँ रास्ते में हमारा जीना दुश्वार कर देगी। सच में कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा, आप ज्यादा मत खाना, और आज रात में तो राजमा बिल्कुल मत खाना, आपको गैस हो जाएगी।
ना। आज ये पति पत्नी को ज्यादा ही बोल रहे हैं, और मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, बाहर खाने तो आई हूँ मैं। मजा आ गया, अब मैं बिल पे कर देती हूँ, चलते हैं यहाँ से। अच्छा मैं चल रहा हूँ, गाड़ी निकाल के आता हूँ, तुम लोग आओ इतने, ठीक है? मुझे मारने के लिए इतनी फैशनेबल बन के आई थी, जल्दी से पहनो और आ जाओ। हाँ आई, मुझे पता था तुम्हें मारना है इसीलिए तो आई थी। चलो अच्छा टाइम से तो आ गए, टाइम से तो आ गए, आप पैकिंग कर लो, कल सुबह सुबह निकलना 7 बजे, ऐसा ना मुझे उठाने आना पड़े। पैकिंग मैं अभी कर लूंगी। यार मेरा भी सामान पैक करा देना, तुम्हें तो पता है मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। मैं पैक कर दूंगी, आप चिंता मत करो, और आपके लिए सुबह पराठे भी बना दूंगी गर्मा गर्म। हाँ ठीक है चलो। सुबह सुबह तो ज्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता, दही पराठे पैक कर दूंगी या अचार, वही रस्ते में खाएंगे, सफर में अच्छा भी होगा और पेट भी खराब नहीं होगा। हाँ इतना ही बना लो, बहुत है, सुबह सुबह उठा जाता नहीं पराठे। देखो तो बोल कैसे दिया, 5 बजे उठती हूँ मैं, सब पता है इसको, तब भी ऐसी बकवास कर रही है।